हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन इन इंडिया, विच मीन्स कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी असर पड़ेगा जब पाकिस्तान के रूप में एक नया देश इंडिया से डिवाइड होकर के बनेगा। तो इसी समय देखिए, इंडिया में लगभग 565 इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। और इन प्रिंसली स्टेट्स को या तो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट होना था या पाकिस्तान के साथ में इंटीग्रेट होना था, अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान जो कि 1947 में ही आया था। अब देखिए, इंडिया की पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का ये टास्क इंडिया के उस समय के होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो अपने हाथों में लेते हैं और उनके साथ में ही उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। तो देखिए, हम बात करते हैं कि जिस समय 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला, यानी इंडिया जो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो इस इंडिपेंडेंस के साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से ही हमें देखने को मिलेगा कि एक पाकिस्तान के रूप में नया देश जो है उभर करके सामने आया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी इस समय, ठीक है। और इसी समय देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, इस समय हम अगर बात करें तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, विच वर इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थी ये, और अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान दीज स्टेट्स वर टू बी इंटीग्रेटेड इधर विद इंडिया और विद पाकिस्तान। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को या तो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट होना था, ठीक है, या पाकिस्तान के साथ में इंटीग्रेट होना था अकॉर्डिंग टू माउंट बेटन प्लान। तो ऐसा किसमें बताया गया था, 1947 में उस समय के वाइस रॉय जो थे लॉर्ड माउंट बेटन, उनके द्वारा एक प्लान लाया गया था जिसे कहा जाता है माउंट बेटन प्लान। लॉर्ड माउंट बेटन उस समय 1947 में ही वाइस रॉय बनकर के आए थे और इन्होंने ही लाया था एक नया प्लान जिसे कहा जाता है माउंट बेटन प्लान। और माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी इंडिया में छोटी छोटी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो या तो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट करेंगी या पाकिस्तान के साथ में इंटीग्रेट करेगी, और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है तो वो वहाँ के रूलर डिसाइड नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए वहाँ के मासेस, वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है या फिर उन्हें इंडिया या पाकिस्तान के साथ में जाना है। दिस वॉज माउंटबेटन प्लान जो कि 1947 में आया। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट हो जाती हैं, और इसके पीछे का कारण ये है कि ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो है, ठीक है, वो इंटीग्रेट कर दिया था किसके साथ में, नेशनल मूवमेंट के साथ में उन्होंने इसे इंटीग्रेट किया था। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट के साथ में इंटीग्रेट कर दिया था जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से कब तक होता है, 1858 से लेकर के 1947, जब अल्टीमेटली 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ में इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। और ये कंसोलिडेशन का टास्क जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, ठीक है, विच वॉज पॉलिटिकल इन नेचर, दिस पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, ठीक है, इसका जो टास्क है कौन अपने हाथों में लेता है, उस समय के होम मिनिस्टर, और इस समय होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। होम मिनिस्टर वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, तो ये थे इस समय के होम मिनिस्टर। तो देखिए, और इनके साथ में इनको असिस्ट करेंगे, ही वॉज असिस्टेड बाई हिज सेक्रेटरी, एंड हिज सेक्रेटरी वॉज वीपी मेनन,
तो वीपी मेनन इनके साथ में इस काम में इनको साथ देंगे। और इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि किस तरीके से इंडिया को पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया जाए, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी दैट स्ट्रेटेजी विच वॉज एडॉप्टेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज सेक्रेटरी वीपी मेनन, दैट वॉज द स्ट्रेटेजी ऑफ परसुएशन कम प्रेशर। तो ये स्ट्रेटेजी जो इन दोनों ने अपनाई, स्ट्रेटेजी दैट वॉज प्रेशर, सॉरी परसुएशन कम प्रेशर लिखते हैं इसको, और इसको ऊपर नहीं लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे परसुएशन कम प्रेशर। दैट मीन्स कि पहले नेगोशिएट करके सॉल्यूशन ढूंढने की बात की जाएगी, परसुएशन होगा, ठीक है। और अगर कोई वो बात नहीं मानता तो देन उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी विच वॉज अडॉप्टेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ताकि वो इंडिया की पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का जो टास्क उन्होंने अपने हाथ में लिया है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये जो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में, जो कि हमने कहा कि 565 के अराउंड थी, तो इसमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो है, ठीक है, उनको इंडिया के साथ में इंटीग्रेट करना एक चैलेंज बन जाता है। और उन्हीं में से एक स्टेट है जूनागढ़, जो कि यहाँ पर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, जो प्रेजेंटली गुजरात में आता है। तो ये जूनागढ़ में देखिए कि क्या दिक्कत थी, उसको हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, जूनागढ़ जो है इसकी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ में थी, वाइल्ड पाकिस्तान के साथ में इसकी सी बाउंड्री थी। जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी लैंड बाउंड्री इसकी थी इंडिया के साथ में, वाइल विद पाकिस्तान इट शेयर्ड सी बाउंड्री, पाकिस्तान के साथ में इसकी सी बाउंड्री थी। And this state of Junagadh was ruled by an independent ruler whose name was Mahabat Khan. तो यहाँ के ruler कौन थे? Junagadh के ruler थे, ruler was Mahabat Khan, ठीक है। और यहाँ के Prime Minister थे, Prime Minister was Shahnawaz Bhutto, ठीक है। और जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, तो इस समय इंडियन गवर्नमेंट जो है जूनागढ़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी यहाँ के रूलर मोहब्बत खान और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शाहनवाज भुट्टो, दे बोथ वर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान, और इन दोनों ने मिलकर के पाकिस्तान के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर लिया था 15 सितंबर 1947 में। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, दे साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का झुकाव जो था वो किसकी तरफ था, इन दोनों का झुकाव हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान की तरफ था, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो पाकिस्तान के साथ में साइन करते हैं, डेट वाज 15 सितंबर 1947 व्हेन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड, ठीक है। और इसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा दैट जूनागढ़ बिकेम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद में ही। और ऐसे समय में इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली, ठीक है, जो भी नेसेसरी कमोडिटीज़ वो सप्लाई करती थी जूनागढ़ को, वो स्टॉप कर दिया। ऐसे में वहाँ के रूलर के खिलाफ, मोहब्बत खान के खिलाफ में देखने को मिलेगा कि वहाँ के मासिस में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है, और मोहब्बत खान इनसिक्योरिटी फील करते हुए उस चक्कर में वो वहाँ से भाग करके पाकिस्तान चले जाते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, इंडियन गवर्नमेंट स्टॉप्ड नेसेसरी कॉमोडिटीज, जो भी नेसेसरी कॉमोडिटीज थी इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दी,
ठीक है, किसको, जूनागढ़ को। ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हो जाएगा जूनागढ़ में। रिजेंटमेंट किस में, मासिज में, वहाँ के लोगों में उनका, ठीक है, ये एक माइंड में एक इस तरह से पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि जो इनका रूलर है मोहब्बत खान, इसी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ में साइन किया और इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने नेसेसरी कमोडिटीज़ जो इनके लिए थी वो स्टॉप कर दी इमीडिएटली। तो इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि इस रिजेंटमेंट के कारण ही मोहब्बत खान जो हैं ये इनसिक्योर फील करते हैं। ही फेल्ट इनसिक्योर, इनसिक्योर फील करने के बाद में व्हाट ही डिड, ही फ्लेड टू पाकिस्तान, ये भाग करके पाकिस्तान चले जाते हैं, लीविंग जूनागढ़ इन द हैंड्स ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर शाहनवाज भुट्टो। तो शाहनवाज भुट्टो के हाथ में जूनागढ़ दे करके वो पाकिस्तान भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे में जो जूनागढ़ की जनता थी उनकी रिक्वेस्ट पर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पब्लिक रेफरेंडम कराया। तो जूनागढ़ में हमें देखने को मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट एक रेफरेंडम कराती है, पब्लिक रेफरेंडम, रेफरेंडम, ठीक है, लोग वोट करेंगे। दैट मीन्स के कौन, लोग वोट करेंगे कि अब जूनागढ़ कहाँ जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट एक रेफरेंडम जो है कंडक्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट कंडक्टेड ए पब्लिक रेफरेंडम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जूनागढ़। और इस पब्लिक रेफरेंडम के दौरान जूनागढ़ के लोगों ने, ठीक है, इंडिया के साथ में इंटीग्रेट होने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वोटिंग की। दैट मीन्स इन द फेवर ऑफ इंटीग्रेशन विद इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के फेवर में इंटीग्रेशन करना चाहेंगे जूनागढ़ के लोग, लेकिन इस रेफरेंडम को डिनाई कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं शाहनवाज भुट्टो, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। व्हेन ही डिनाइड दिस पब्लिक रेफरेंडम, एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक मिलिट्री एक्शन। तो इस समय हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली से हमारे होम मिनिस्टर जो थे, होम मिनिस्टर, तो वो यहां पर भेजते हैं जूनागढ़ में, ही डिप्यूटेड लार्ज आर्मी। तो आर्मी को डिप्यूट किया गया, आर्मी को, ठीक है, दिल्ली से भेजा गया जूनागढ़ में। एट दैट टाइम शाहनवाज भुट्टो ऑल्सो वेंट टू पाकिस्तान, शाहनवाज भुट्टो भी पाकिस्तान चले जाते हैं। अब ये भी पाकिस्तान चले जाएंगे और इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि फरवरी 1948 में जूनागढ़ जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, किसके साथ में, इंडिया के साथ में। जूनागढ़ जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया और जूनागढ़ को सौराष्ट्र रीजन में मिला दिया गया इमीडिएटली, जो बाद में चल करके गुजरात स्टेट में आएगा जूनागढ़। आई होप आप सब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज हमने डिस्कस किया पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इन इंडिया, यानी आज़ादी के बाद में क्या क्या तरीके अपना करके किस तरह से पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया गया सरदार पटेल के द्वारा। तो आज हमने जूनागढ़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमें देखने को मिलेगा कि जो भी इसके अलावा प्रोविंसेस थे जो चैलेंजिंग रहे पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन के दौरान, पहले हमने जूनागढ़ की बात की, तो आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे सिक्किम के बारे में, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में, और अल्टीमेटली हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया गया इन प्रोविंसेस को इंडिया के साथ में सरदार वल्लभ भाई की क्लेवर डिप्लोमेसी की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।